नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मैं श्रवण आकाश, खगड़िया जिला के परवत्ता प्रखंड अंतर्गत जो परवत्ता अंचल आवास के ये क्षेत्र में जो एक ब्लॉक बनी हुई है, जहाँ पर भी मौजूद हूँ ब्लॉक क्षेत्र में। और आप देखें यहाँ पे काफ़ी पर्यावरण से जुड़ी कई काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पर कि साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि हाल ही में पिछले चार या पाँच महीने पूर्व एक इसी का जो उद्घाटन किया गया था, जो कि यहीं पे एक अच्छा पार्क के नाम दिया गया था, रामानंद पार्क के नाम से जो कि बोर्ड लगी हुई है। साथ साथ यहाँ किस तरह से ये पार्क कैसा अभी वर्तमान स्थिति, कौन सी स्थिति में अभी है, वो मैं आपको रूबरू करूँगा। आइए मैं दिखाता हूँ पार्क का। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये पार्क, जो कि एक अच्छा पार्क के नाम से जाना जाता परवत्ता प्रखंड में, जो कि एक पर्यटन स्थल के नाम से था, जहाँ पे कि प्रत्येक दिन दर्जनों सैकड़ों के आसपास यहाँ पे लोग, युवा लोग यहाँ पे घूमने आते थे। और यहाँ पे अभी गर्मी के समय में भी जो पेड़ के नीचे रहते थे और यहाँ देखने नज़ारा बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा यहाँ पे कुछ व्यवस्था में की कमी, अनदेखा की वजह से जो आप देख रहे हैं परवत्ता के लिए जो पार्क है, जो बंजर भूमि की तरह दिख रही है, जो कि पूरा से पूरा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कितना अच्छा पार्क था जिसमें यहाँ पे लोग आते थे। और ये पार्क यहाँ के कर्मचारी जिसके निरीक्षण ये दिया गया, उसके अनदेखा वजह से, ढीलीपन के वजह से ये पार्क देखे पूरा पूरे सूख चुकी है। जहाँ से कि आइए हम आपको दिखाते हैं कि किन के द्वारा यहाँ पे इस तरह से किया गया है, जो कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड जो लगी हुई है, जो कि तालाब छठ घाट के नाम से यहाँ पे बोर्ड लगी हुई है। और इतना ही नहीं, इसमें जो मेन जो हमारे यहाँ पे जो निर्माण में जो उद्घाटन में जो करते हैं यहाँ के मेन वरिष्ठ कहिए या फिर यहाँ पे राजतंत्र, जिसकी कभी यहाँ पे शासन चल रहा है, सत्ता भी है, ये रामानंद प्रसाद सिंह भूतपुर यहाँ के विधायक जी, साथ साथ रविशंकर कुमार जो कि अध्यक्ष में की गई, उसकी अध्यक्षता यहाँ पे कर दी गई थी, मतलब यहाँ पे इसका निर्माण, साथ साथ डॉक्टर संजीव कुमार जो कि प्रदेश प्रदेश जदयू के वर्तमान यहाँ पे विधायक में भी है, और श्री धनंजय कुमार के प्रमुख साहब के द्वारा यहाँ पे इस तरह यहाँ किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश और साथ साथ यहाँ के जो सत्ताधारी है उसके अनदेखा की वजह से, उसके कुर्सी पे दिलचस्पी और यहाँ के अनदेखा की वजह से, देख रहे यहाँ तक ये जो बोर्ड लगी हुई है, इस बोर्ड की सफाई तक के लिए कोई नहीं है। जहाँ पर देख रहे पूरे पार्क में कचरा पड़ा हुआ, सफाई की व्यवस्था नहीं है। साथ साथ अभी आप देख रहे यहाँ पे कि पूरा से यहाँ किस ब्लॉक का कुछ भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। दोस्तों आखिर ये सरकार की ये रुपये कहाँ जाएगी? मैं आप यहाँ वीडियो देख रहे यहाँ के नेताओं से, यहाँ के मतलब यहाँ के मंत्रियों से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आखिर इस लाखों की लागत से ये बनाई गई है, जो उद्देश्य जो आपका सपना था, क्या वो सपना अभी पूरा हो रही है? पिछले दो दिन के बाद यहाँ पे चैती छठ होने वाली है, जो कि चैती छठ के दिन में यहाँ पे कई हो सकता है यहाँ पे आने वाले हैं, कई छठव्रती भी यहाँ आ सकते, और छठव्रती आने के बावजूद यदि यहाँ पे सही रहते यहाँ छठव्रती चैती छठ का यहाँ होता, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश रहता यहाँ छठव्रती के लिए जो यहाँ पे तालाब छठ जो निर्माण किया गया है, क्या इस स्थिति में यहाँ पे छठ पर्व लोग कर सकेंगे? हमारे इस न्यूज़ चैनल में आपको बहुत जल्द पुनः एक नई वीडियो के साथ आता हूँ, तब तक धन्यवाद।